जबलपुर ब्लैकमेलिंग कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्राओं से ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का सुराग मिल गया है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा से ब्लैकमेलिंग के कॉल किए गए थे। गैंग ने पहले एक छात्रा का व्हाट्सएप हैक किया और फिर उसके जरिए मिले छात्राओं के नंबर पर कॉल की गई। अब इस खुलासे के बाद गिरफ्तारी के लिए जबलपुर पुलिस हरियाणा जाएगी। कि जो बच्चियां हैं उनके द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई थी उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इसमें विवेचना करी तो पता चला कि जिन नंबरों से ये व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल करे गए थे वो हरियाणा राज्य के एक जिले एक गांव से ओरिजिनेट हुए थे। पुलिस की टीम वहां गई थी, वहां लगातार 4-5 दिन प्रयास किया है और साइबर की मदद से इन आरोपियों का नाम भी पता चल चुका है। चूँकि आरोपी की पहचान ऐसे नहीं हो पाती है तत्काल, इसीलिए अभी तो वो नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन इन त्योहारों के बाद पुलिस की टीम दोबारा जाएगी और आरोपियों को पकड़ेगी। जबलपुर से हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बताएं क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश और देश में हड़कंप मचाने वाला मामला है कि कॉलेज की छात्राओं को अश्लील वीडियो और लिंक्स भेजकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। तकरीबन 12 दिन पहले ये पूरी घटना सामने आई थी 5 सितंबर को, और पुलिस ने जब इस पर जांच शुरू की तो शुरुआती जांच में कई अलग अलग राज्यों में ब्लैकमेल करने वाले नंबर्स की लोकेशन मिली, लेकिन पुलिस की जांच जारी रही। साइबर सेल की मदद से जब गहराई से पड़ताल की गई तो हरियाणा में कुछ लोगों की लोकेशन मिली एक गांव में, और वहां जब SIT की टीम पुलिस की टीम वहां पहुंची तो लोकेशन तो क्लियर हो गई, लेकिन जो आरोपी थे उनकी शिनाख्त उनकी पहचान नहीं हो पाई और टीम फिलहाल वापस लौटी है और त्यौहार के बाद फिर जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे, जो तरीका उन्होंने अपनाया उसका भी जल्द से जल्द खुलासा होगा। बहुत धन्यवाद पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।